हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी के लिए राखीज किचन को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राखी और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी दही चिकन यानी कि योगर्ट चिकन की रेसिपी। ये सबको पता है दही चिकन कैसे बनाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ अलग से टिप्स यूज़ करूँगी और टिप्स की वजह से चिकन बन जाएगा बिल्कुल डिलीशियस और आपका मनपसंद। तो चलिए देख लेते हैं कैसे ये दही चिकन यानी कि योगर्ट चिकन बनाते हैं। दही चिकन बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स एंड क्वांटिटीज चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रेसिपी के लिए चाहिए 1/2 किलो की करीब चिकन। मैं इस चिकन को अच्छे से साफ़ करने के बाद नींबू पानी और नमक से अच्छे से धो के रखी हूँ। और चाहिए 4 बड़े चम्मच दही। दही को बहुत अच्छे से फेंट लेना है। खड़े मसाले में ले लेंगे 1 तेज़पत्ता, 2 सूखे मिर्च, 5 इलायची और 1 दालचीनी का स्टिक। 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे। 1 बड़े चम्मच टोमेटो सॉस और चाहिए धनिया पाउडर 1 बड़े चम्मच के करीब। 1 बड़े चम्मच के करीब ले लेंगे जीरा पाउडर और चाहिए 1 छोटे चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर। कटा हुआ हरी मिर्च ले लेंगे 3 से 4। लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे 1 छोटे चम्मच। नमक अपने स्वाद अनुसार और हल्दी पाउडर ले लेंगे 1 छोटे चम्मच। तो चलिए देख लेते हैं कैसे चिकन को मैरिनेट करते हैं। मैं पहले ये टोमेटो सॉस को चिकन में ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी। अच्छे से सारे पीसेस में चिकन सॉस को मिक्स करना है और मैं डाल दूंगी सारे मसाले। मसाले में है लाल मिर्च पाउडर, नमक और हल्दी पाउडर। अब सारे मसाले और सॉस चिकन में अच्छे से मिक्स करना है। मैंने सारे पीसेस में बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं आधा घंटे के लिए इसको कवर करके रख दूंगी रूम टेम्परेचर में। तो आप चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो मैंने लो मीडियम फ्लेम पे कढ़ाई को अच्छे से गर्म किया। गर्म करने के बाद इसमें 4 बड़े चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं। तो तेल को हल्का सा गर्म होने के बाद मैं ऐड कर दूँगी सारे चिकन पीसेस को। तो मैं एक एक करके सारे चिकन पीसेस को ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे आपको वेट करना है। जैसे ही नीचे का पोर्शन थोड़ा सा डीप ब्राउन कलर का हो जाएगा तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये फ्राई हो चुका है। तो मैं फ्राई होने के बाद इसको एक अलग सा प्लेट में निकल लूँगी। तो मैंने सारे चिकन पीसेस को ऐसे निकल लिया। आप चाहे तो चिकन को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। बस ये बनके तैयार है। अब मैं इसको साइड में रख देती हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो मैंने दूसरा कढ़ाई यूज़ किया, लेकिन तेल वही यूज़ किया और उसमें मैंने 1 बड़े चम्मच तेल ऐड किया। तो इसमें मैं डाल दूँगी सारे खड़े मसाले और कटा हुआ हरी मिर्च। तो सारी चीज़ों को आपको 1 मिनट तक ऐसे थोड़ा सा सौटे करना है। जैसे ही ये सारे चीज़ सौते हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट और सारी चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। फ्लेम को लो पे रखना है, वरना सारे खड़े मसाले जो है वो बिल्कुल जल जाएंगे। तो उसके बाद मैं ऐड कर दूँगी सारे सूखे मसाले, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक मैं पहले यूज़ की हूँ और एंड में यूज़ करना है गरम मसाला पाउडर। तो सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं ऐड कर दूँगी फ्राई किया हुआ चिकन। आपका टिप ये है, अगर आप पहले चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर लोगे तो ये खाने में बहुत ही अच्छा आएगा टेस्ट। अब मैं चिकन को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद ऐड कर दूंगी दही। और आपका सेकेंड टिप ये है कि दही में थोड़ा सा नमक मिलाने के बाद ही आप ये चिकन में ऐड करें और फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखें। और ये है कि आप गैस भी बंद कर सकते हैं। अगर आप फ्लेम को हाई रखेंगे और रेसिपी में ये दही डायरेक्ट मिला देंगे तो ये फट जाने का चांस रहता है। तो इसलिए ये आप करें कि दही को
देने के पहले अब फ्लेम को बंद कर दे या तो लो पे रखें और दही में थोड़ा सा नमक ऐड कर दे। इसके बाद मैंने ऐड कर दिया हाफ कप के करीब पानी और मैं 3 मिनट्स के लिए इसको कवर कर दिया। 10 मिनट बाद ही कवर मत हटाइए, एक दो बार इसको चेक कर ले। अब अच्छा सा फ्लेवर के लिए मैंने ऐड कर दिया गरम मसाला पाउडर और इसको मैं मिला दूंगी। तो मैंने चिकन करी में इसको अच्छे से मिला दिया। ग्रेवी के लिए पानी अपनी चॉइस के हिसाब से डालना है, आपको जितना ग्रेवी पसंद है आप उतना पानी डालें। अगर आपको स्टार्टर में ये दही चिकन पसंद है तो आप पानी कम यूज़ करें। तो मैंने सारी चीज़ों को मिला दिया, अब मैं 5 मिनट्स के लिए इसको कवर कर दूंगी। तो 5 मिनट्स बाद देखिए ये जो दही चिकन है ये बनके तैयार है और मैं आपको सफिशियंट टिप भी दे चुकी हूँ कि आपका दही चिकन परफेक्ट कैसे बनेगा। तो ये बनके तैयार है। बहुत सारे लोग बहुत तरीक़ों से ये दही चिकन बनाते हैं, तो मैंने ये सारे टिप यूज़ करके घर पे भी बनाई हूँ और मेरा जो ये दही चिकन है बहुत टेस्टी और डिलीशियस बनी थी, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। देखिए ये जो दही चिकन है आप परोस सकते हैं इसको फ्राइड राइस, पुलाव या तो कोई नान पराठा के साथ। अगर आपको रेसिपी पसंद आए और टिप्स हेल्पफुल लगे तो ज़रूर मेरे चैनल राखीज़ किचन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिए। मैं फिर से आती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।